ये गाइस अब आप खिड़की की फुल लुक चेक करें, इधर जिस वक्त शैंडेलियर लग जाएगा ना, हर टेरिटरी में ना अपना एक एक घर हमने छोड़ दिया। बैरियर टाउन फेज 8 के एंड ब्लॉक में हम लोग पहुंच चुके हैं। चेक करें यार कितनी खुली खुली गलियों, और ये चेक करें गाइस, ये हमारा नया घर। मैंने कहा गाइस आज का ब्लॉग सीधा हम अपने नए घर से स्टार्ट करते हैं। ये गाइस चेक करें, आज मैंने इन्हें गोश और लगवा दिए, तो ये सारा फ्रेम वगैरह आज फिट हो जाएगा, शीशे वगैरह भी अंदर फिट करके सारे जाएंगे। सारी जगह लोहे के पाइप ही पाइप भरे हुए, सारी डिजाइनिंग जो है ना मैंने सुंदर से करवाई है। बस अभी 2-4 घंटे लगेंगे, उसमें सारा हमारा शीशा आज तैयार हो जाएगा। साथ ही इधर थड़ी छड़ी भी तुड़वानी है, उसका भी मैं काम साथ साथ करवाता हूँ। इधर से 2 फुट छोड़ के, हाँ इधर से पूरा 2 फुट, जिधर भी 2 फुट आए ना उधर तक बस तोड़ के नीचे एक टाइल का पीस लगाने और साइड पे स्कर्टिंग। क्यों ना इसी थड़ी के ऊपर हम लोग अपने फ्रिज को रख दें, और उसके ऊपर एक शेल्फ बना के ना उसके अंदर हम अपना माइक्रोवेव रख के उधर से हम अपनी अलमारियां चलानी स्टार्ट करें। तो बस ये चेक करना है जो घर में फ्रिज हमारा पड़ा है ना, वो इधर 20-21 इंच तक हमारा फ्रिज पूरा हो जाए, नहीं तो थड़ी तोड़वानी ही पड़नी है। फिर शीशे लगने शुरू हो गए, नंबर के हिसाब से उन्होंने रखे हुए, नीचे से वो शीशा पकड़ाते हैं, ये शीशा लग चुका है, ये शीशा लग चुका है। इससे पहले गाइस मैं होके दुकान से ही आ रहा हूँ, ये ना समझना मैं सीधा इधर ही आ गया हूँ, आज मैं दुकान से काम करके खत्म करके फिर इधर आया। कोई छांव वाली पार्किंग ढूंढता हूँ, उधर खड़ी करके आराम से सुकून से काम करूंगा। जिंदगी में ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, इस वजह से मैं दुकान पे काम खत्म करके आया हूँ, इधर उन्हें काम समझा के हूँ, अब मैं इधर पार्किंग में आके गाड़ी लगा दी है। इधर अब मैं ना ब्लॉग एडिट करूंगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचे आप लोगों को पता है 8-9 बजे जो मुझे टाइम बीच में मिले, इधर कोई मैं साइड के पास पार्किंग वगैरह देख लेता हूँ, इधर पार्क करके आराम से अपना ब्लॉग एडिट करते तो करना। तो इधर हेडफोन्स भी पड़े हुए, पावर बैंक भी पड़ा हुआ, अगर बैटरी शैटरी चार्ज करनी पड़ जाए। इस नोट पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आज का ब्लॉग, तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। 2 hours later गाइस 2-1 घंटे गुजर के एडिटिंग करते हुए फोन की भी बैटरी लो गई, मैं इसको भी पावर बैंक पे चार्जिंग पे लगाता हूँ, थोड़ी मुझे भी भूख लगने शुरू हो गई, कुछ खा के आता हूँ, उसके बाद फिर घर जाके भी चेक करता हूँ क्या काम चल रहा होता है। जिस वक्त आया था पार्किंग सारी खाली थी, सारी पार्किंग भर गई है, पार्क के अंदर लोग वॉक कर रहे हैं और हम यार इधर अपना काम कर रहे हैं। आज हम अपना ये वाला वाउचर यूज करेंगे, मेरे ख्याल से आज कोई पनीनी शनीनी खानी चाहिए, चिकन फेटा पनीनी करते हैं। ऑर्डर करवा दिए, कह रहे हैं बस 5 मिनट दे दे, मैंने कहा मुझे भी बस 5 मिनट ही दे दे। ऑर्डर रेडी है हमारा, बड़े मजे का चिकन सैंडविच लग रहा है, इसको खत्म करते हैं और फिर चलते हैं। साइड पे आते हुए मैं सीमेंट ले आया था, अभी ये निकलवाता हूँ। इस सारी जगह के ऊपर ना शीशा लग के ये सारी जगह बंद होगी, ऊपर से जाके अभी आपको फुल लुक करवाता हूँ। ये गाइस अब आप खिड़की की फुल लुक चेक करें, इधर जिस वक्त शैंडेलियर लग जाएगा ना फिर ये और खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट डे आजकल गाइस रोज अपने दिन का स्टार्ट इधर से ही होता है। गाइस ये गीजर हमने ऑन भी करना होता है, ऑफ भी करना होता है। यार आज मुझे बुखार है, लेकिन आज भी हम छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि काम बड़ा है, उधर साइड के ऊपर लकड़ी खत्म होगी, लकड़ी लेने जाऊंगा, उसके बाद जो है ना आज आप लोगों को अपना एक नया एक और घर भी दिखाता हूँ जाके। क्या बात है सर, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेना चाहिए गाइस। आज यार एक ये इधर से खताई खा लेता हूँ और साथ में थोड़ी अंजीर खा लेते हैं। हर टेरिटरी में ना अपना एक एक घर हमने छोड़ दिया कि यार कभी भी कहीं भी रहना पड़ सकता है। आपको पता है यार शेख फ्लॉक बड़ी बिजी पर्सनैलिटी है। बच्चे कैसे हो? असल में गाइस मजाक कर रहा था, ये घर मेरा नहीं है, एक्चुअली ये घर बिलाला जी का। बिलाला जी ने एक नया घर बनाया, तो कहते हैं यार आओ आज तुम्हें मैं चेक करवा दूं कि क्या मैंने नई अनोखी चीज बनाई है अंदर। कहते हैं मैंने बाथ टब जकूजी हर चीज ही भर दी है उस घर के अंदर। गाइस अभी निकल गए थे, लेकिन यार कल वो फ्रिज का मैं थड़ी का नहीं दिखा था यार, फ्रिज की मैं मेजरमेंट लेना ही भूल गया हूँ, तो अभी बस जल्दी से घर वापस जा रहा हूँ, उसकी मेजरमेंट लेते हैं फिर हम वापस काम पे जाएंगे। घर गाइस वापस पहुंच गया हूँ, बस जल्दी से साइज लेके आता हूँ अंदर से। मैं देखते ही मुझे वैसे लंबा लग रहा है पेमाइश की बगैर, ये तकरीबन 17 इंच से थोड़ा सा कम बना। थड़ी भी हमें नहीं तोड़वानी पड़नी क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20-21 इंच जगह है, तो काम निकल जाएगा। और दूसरा यार गाइस हमारा टाइल्स जो दूसरा मिस्त्री मैंने लगाया था वो भी भाग गया। लेबर से डायरेक्ट काम कराना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि मेरा काम उसके पास रह गया था तकरीबन 20-25 हजार रुपए का, उसको 5-6 लाख का नए घर का काम मिला, उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, वो भाग गया। क्यों बिलाला जी, ऐसे ही काम हो जाता है लेबर से? नहीं बड़ा मुश्किल है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिलाला जी इस चाचे को खुदा का वास्ता समझाओ कि इस तरह गेट बंद रखा करे, इसको मसला मुझे नहीं समझ आती कि गेट नहीं बंद रखा। अच्छा, खुला ही रखे, बंद करे तो उसको या तो कोई मैडम महबूबा साहिबा कोई बाहर से गुजरती है, तो इस वजह से अगर नहीं करता तो चलो उसमें हम उसके साथ है। पहले बस जा रहा हूँ जल्दी से लकड़ी खरीद लूँ, उसके बाद शीशे वाले से रेट लेना, फिर सीधा जाएंगे बिलाला जी के नए मेंशन। यार इधर तो अपना ग्रीन रावलपिंडी भी ग्रीन नहीं रहा। 100 करोड़ रुपए की लकड़ी प्लीज परचेज करें। हाँ जी, नए घर के लिए बड़ा घर आपने बनाया, लकड़ी बस ये हमारी फाइनल होगी। बिलाला जी लकड़ी हमने ठीक खरीदी है इधर? पहुँच गए यार शीशे वाली दुकान पे, रेट शेट लेते हैं जाके। ये बीच वाला डिजाइन लगाता हूँ ना, तो बीच वाले डिजाइन में ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, लगेगा बुर्ज खलीफा में बैठा हुआ। हाँ ये बुर्ज खलीफा ही लगेगा, क्यों गाइस क्या ख्याल है? ये देखे इस तरह बाथरूम में बैठो। रेट वगैरह इधर निकल रहा है तो फिर चेक करते हैं क्या रेट बनता है। 3-1 दुकानों से मैंने रेट ले लिए, आराम से जाके इसको कंपेयर करूँ। A few inches later. टाइम इस वक्त दोपहर के 2 बज गए, तो लाजमी भूख भी बड़ी चक लगी है, तो पहले खाना खाते हैं ना फिर इसके घर जाएं। खाना गाइस अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, व्यू आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही लेक सुवा के साथ हम लोग बैठे। मेरे ख्याल से घर आपका ऑन सेल है, क्या ख्याल है इस बात में? बात मैं ठीक कर रहा हूँ? बर्गर आपका ठीक है?
लोकेशन वगैरह चेक करा तो प्लीज सब्सक्राइबर्स को जिनको आपने घर दिखाना है आज अपना आप ये देख सकते हैं फेज 8 की ये स्ट्रिप है। हाँ जी स्ट्रिप है ये। सारा मैकडॉनल्ड्स सॉरी उसकी फूड स्ट्रीट की नहीं है एलए वेगस की है। अब नए घर में जाके आपको उसके शीशे चेक करवाते हैं। बैरियर टाउन फेज 8 के एंड ब्लॉक में हम लोग पहुंच चुके हैं। चेक करें यार कितनी खुली खुली गलियों और ये चेक करें गाइस ये हमारा नया घर बिलाला जी का नया घर। खुलवाओ खुलवाओ खोल दो फैंस के लिए पूरा खोलो पूरा व्यू है। आज लव यू हो जाएगा लव यू हो जाएगा। चलो इधर गए आप में से किसी एक की पूरी इधर गाड़ी आएगी इधर बाइक शाइक आ जाएगा। चलो यार प्लीज हमें अंदर का हाउस टूर करवाओ पहले अपने दरवाजे शरवाजे चेक करो। सॉरी प्लीज 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 करें। पहली दफा मैं खुद भी बिलाला जी का घर देख रहा हूँ। बिलाला जी क्या करते रहे हो ये कहाँ खजाना छुपा के रखा हुआ था आपने। बस क्या बताए कुछ तो बताओ ना। पहले आप दरवाजों की हाइट चेक कर लें 8-8 फुट के इसने दरवाजे बनाए हैं। अंदर आते ही ना ये कॉरिडोर जो है ना ये पूरी इसकी लॉबी आ गई। लॉबी के बाद यार ये ड्राइंग रूम कर ले टीवी लाउंज ओपन लाउंज कर ले और इसके साथ ही ना गाइस इधर ओपन किचन है फुल ऊपर ऊपर तक बिलाला जी ने कैबिनेट वगैरह बनाई हुई है और हर दरवाजे पे ना चोर वाले सेंसर भी बिलाला जी ने हमें लगवा के दिए। जी चला के दिखाए प्लीज। क्या हो गया खराब तो नहीं है। नहीं खराब नहीं यार बिलाला जी सब्सक्राइबर्स को धोखा नहीं देना अपने बटन वो मसूद इसका बटन किधर था। ये घर खुद ही बने गाइस चल पड़ा जी एग्जॉस्ट भी चला के दिखाओ घर चल रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम है मुझे खुद नहीं आता। ये बैग ये देखो बंद हो गया ये देखे और टच वाला यार नहीं ये देखिए टच है अभी ये इसको यूं इसको ये देख ये चल गया गाइस चल रहा है यार चल रहा ये देखिए जी ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। चेक कराओ यार मैं भी चेक कराओ क्या काम किया तुमने। रेडी है मैं रेडी हूँ चलता है ये इसको खुद चलाना नहीं आता। आप पहले हमें कमरे में प्लीज अपने बेडरूम में लेके जाएं गाइस जिसमें बेडरूम में आप लोग आएंगे तो ये चारपाई बिलाला जी आपको साथ देंगे और चारपाई में नहीं नहीं जी जी आप भी इसी में ही होंगे और ये हमें वॉशरूम भी चेक करवाएंगे। क्या हुई जी जी बिल्कुल वॉश नहीं हुआ हुआ वो बिल्कुल बिलाला जी गाइस हमें वॉश करके देंगे फिक्र की कोई बात नहीं। और यार ये देखें निश वगैरह क्या बिलाला जी ने वो हुए लाइट प्लीज चला के दिखाऊंगा निश में लाइट्स वगैरह लगी हुई है। ये जो है ना गाइस ग्राउंड का बेडरूम किचन से हम लोग पीछे वाली तरफ जाए ना तो इस तरफ ये बिलाला जी गुस्से हुए हैं क्योंकि बिलाला जी के पंखे उसने साफ नहीं करके दिए। उसने कहा था यार मैं घर चेक करवाने जा रहा हूँ पंखे चंखे साफ रखना उसे साफ नहीं किया। अब बिलाला जी थोड़े एंग्री ये मैं आपको दिखाया था सर्विस एरिया समझ लें जिसके अंदर सारी वॉशिंग मशीन गीजर वगैरह सब कुछ होगा ना। किचन वाली तरफ से यार आप लोग व्यू देखें खुला खुला व्यू है और ये टाइल्स वगैरह यार आप चेक करें व्हाइट लगाई है ना तो कलर बहुत जबरदस्त है। क्या बात है ओए 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 गाइस ये तो मैंने भी नहीं नोट किया था यार ये सारी सीढ़ियों में लाइट्स वगैरह लगी हुई है। जी जी बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए यार इसने पूरी अपनी जगह यूटिलाइज करते हुए अंदर लाइट भी चली गई खाना साइड टाइप आप समझ सकते हैं इसको कि मतलब कोई चीज अगर आपने स्टोर करनी है तो आप इस जगह पे भी कर सकते हैं। क्या बात है जो आप लगा के देना हमें प्लीज आप ऐसे दे तो लगा देंगे। गाइस ऊपर वाले लाउंज में आ जाए ना तो इधर दो बेडरूम है एक बेडरूम ये है एक बेडरूम ये है। पहले क्या कहते हो कौन सा दिखाएं पहले इनको मास्टरपीस इस घर का दिखा प्लीज जो मैंने आप कह ले कनाल का बाथरूम लग रहा है। चलो जी चलो चलो चेक करो ये गाइस ओए ओए खुला ढुला यार बिलाला जी सीलिंग तो बड़ी जबरदस्त तैयार करवाई है हर कमरे में डिफरेंट सीलिंग हुई हुई है। ओए क्या बात है जी गाइस शेख व्लॉग की माशाल्लाह इस शीशे में तो कमाल ही हो गया। ओह यार ये शीशा देखने गया था ये मैं उतरवा के कहता तो अपने घर भी लेके जा सकता हूँ। वो बंद हुआ पानी बंद किया ये आपने अच्छी किया यार बाकी निशेज वगैरह हर जगह बना के रात के टाइम क्या बात है ना तो फिर आपको पता लगे कि ये बाथरूम क्या मान लो बिलाला जी ये जो गोल्डन ट्रिम्स वगैरह लगाई है ना मुझे तो बहुत ही मजा आया इसका। ओए होए होए यार इस बाथरूम में नहाने का आप लोग मजा देखेंगे ना तो आप लोगों क्या मजा आने आप इसमें लगेगा आप किसी सऊदी किंग हैं आप जी जी शावर वगैरह सब कुछ। ओए होए होए ये किस लिए आपने दिए
ये वैसे ही कुछ अगर वो टिश्यू पेपर वेपर आपने लगाना हो तो मैंने कहा हाथ रख ये के, ये किंग सुलमान का भी ऐसा बाथरूम नहीं होना सऊदी अरब में जो हमने 5 मरले में बना दिए किंग सलमान को पता है ना सऊदी अरब वाले का जी जी मेरा रिश्तेदार ही है जानने वाला ही है भाई 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 बुलाया उसने मुझे कि आओ भाई हो सऊदीया तेरे पास टाइम नहीं है इसकी टाइम नहीं है गाइस ये और भी तो काम है हमें कभी आप शाम के टाइम दिल करे चाय पीने का व्यू के साथ तो आ जाएंगे जी जी चाय आप लेंगे चाय बना देंगे ओहो यार ये छोटी सी इन्होंने अपना टेरेस भी दिया हुआ इस घर की मैं आपको बताता हूँ वो देखे वो सामने आपके प्रॉपर सारा कमर्शियल एरिया बन रहा है जिसमें सारे रेस्टोरेंट है सब कुछ है स्पेशल हमने महंगी वाली ग्राफिक कराई हुई है अब कोई जिसको पता हो कोई टच करे तो उसको समझ आए मैं टच कर लेता हूँ करें टच 10-15 साल आपके निकाल देगा आप तो फारिग हो बिलाला जी 10-15 साल फिर अब यार ऊपर छत वाली तरफ जा रहे हैं और यार पूरी लाइटें वगैरह पूरी हर सीढ़ियों में इसने दी है ममटी है ठीक है ठीक है ठीक है अभी तो इसमें सारा मेरा सामान पड़ा है ठीक है इसको भी हमने कहा नहीं कि इधर आप लोग अपनी चीजें से रैक्स बना दिए बिल्कुल कोई भी सामान रखना इधर आ गई ये जो पीछे वाला कमरा है ना इसको आप लोग स्टोर भी बना सकते हैं स्टोर के साथ साथ आप लोग इसको सर्वेंट क्वार्टर भी बना सकते हैं क्योंकि इसने वॉशरूम भी इधर ही दिया हुआ है ना हाँ ये भी वॉशरूम भी यार इसने गाइस इस घर की सबसे जबरदस्त चीज अगर जो मुझे खुद पर्सनली पसंद आई है ना वो यार ये रूफ टॉप है यार एक तो खुली डुली पूरी रूफ टॉप है और साथ साथ हर जगह पे देखे ना ये लाइट्स दी हुई है रात के वक्त अगर दिन के टाइम अभी बिल्कुल एक इधर थ्रो कर रही है लाइट एक थ्रो उस तरफ कर रही है तो रात को यहाँ पे आप बारबेक्यू कर रहे हैं छत पे प्रॉपर आपकी लाइटनिंग हुई भी होगी ये ऊपर भी सारी लाइट्स है ये सारी लाइट्स है मजा आएगा आपको आप कहेंगे आज ही मजा आ रही है इधर घर में तेरा कोई काम रहता है करवाने वाला कि ये बस अब तेरी तरफ से फुल कंप्लीट है यार ये फुल कंप्लीट है अगर किसी ने खरीदना है तो मुझे और गाइस एक बहुत ही जबरदस्त आपको इधर से और फायदा है ये देखिए इधर से आपको व्यू मिल रहा है ये बंदा देखे इधर ही सामने नहा रहे तो इधर से निकलता हूँ ना फिर गाड़ी में इसे बैठ के थोड़ी प्राइवेट बातें करते हैं कि घर है कितने का ये जिंदगी में क्या चाहती हूँ इस घर में क्या हो क्यों क्या मैं तो चाह रहा कोई अपने किसी फैन शेयर से लॉ के किसी फैन को ये मैं भेज दूँ वो आके इस घर में रहे क्या चाहते हो यार दे दे 3 करोड़ ओ क्या हो गया कोई खुदा का खौफ कर यार कोई शेख सुलोग का फायदा क्या हुआ दिखाने का इधर इंसान जी जी शेख स्पेशल अपने सब्सक्राइबर के लिए उनके लिए प्यार मोहब्बत में चलो 2 करोड़ 30 लाख सीधा सीधा बस 60 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया दिमाग खराब कसम से हमने नहीं इतने प्राइस में लेना गाइस असल में मैं उस प्राइस में आपको लेके दूं ना कि जिसमें मैं भी खुद लूं मैं नहीं लूंगा भाई 2 करोड़ 30 लाख नहीं नो अगर देने वाली बात करनी है तो करो देने वाली बात है 225 मेरी नहीं डिमांड है नहीं नहीं हां यार नहीं तो किसी ने लेना है बस 2 बस बहुत हो गया बॉटम पर 220 215 भाई ऐसे कम में नहीं बेचूंगा 150 में दो प्लीज 150 ठीक 150 में सीधी बात है जी मुझे मैंने खुद नहीं मेरी कॉस्टिंग इतनी आई नहीं है फिर जिसने 2 करोड़ 15 लाख रुपया मेरे हाथ में रखे आए इस मेंशन में रहे और बाहर बोर्ड लगा ले शेख्स व्लॉग जिंदाबाद 215 लाख रुपीस चाहिए इसको 215 लाख रुपीस इस घर के लिए क्या करोगे इतने पैसों का रख के मुझे दे दो पैसे क्या है व्हाट इज 2 करोड़ कुछ भी नहीं आता 2 करोड़ जी गाइस हमारा तो काफी आ जाता है हमारी इस तरह की तकरीबन 8-1 डिस्कोस आ जाती है तो हमारे लिए तो ये 2 करोड़ 15 लाख काफी है लेकिन बिलाला जी के तौर पे क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उनके तौर पे ये अमाउंट छोटी है जी 5 मरला इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं तो जी अगर किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो इस घर के हवाले से तो किधर किया जाए यार नंबर मैं नहीं दूंगा क्योंकि फिर तंग करेंगे लोग इंस्टाग्राम की वो दे दे मेरी हैंडल दे दो हाँ हैंडल दे दे जिसने मैसेज कोई सीरियस हो यार कुछ सीरियस हो तो फिर मुझे मैसेज करे वैसे ही मुझे तंग ना करे बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं होता इतना मैंने सोना होता है करना होता है पीना होता है काम मेरा और कोई नहीं है लेकिन फिर भी मुझे तंग ना करे ज्यादा ठीक है अंदर जो इधर स्कैफ फोल्डिंग लगी हुई थी वो भी मैंने उतरवा दी आप चेक करें यार फुल लुक इधर की और ये देखें ये पहले बॉर्डर इधर नहीं बना हुआ था ना ये बॉर्डर भी मैंने बनवा दिया इधर बिलाला जी अपने टाइल वाले को फोन करें कि यार मेरे भाई का काम खत्म कराओ आके चूंकि जो है ना मुझे बुखार भी थोड़ा तेज होता जा रहा है तो इस बुखार के नोट पे मैं एंड करना चाहता हूँ आज का ब्लॉग अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ओके जी ये चाचा बार बार देख रहा होता है कि ये व्लॉग व्लॉग क्या बना रहे हो कहते हैं मुझे भी यूट्यूब का अपना लिंक दो चाचा भी यूट्यूबिंग करता है दर्जी हसन शेख इधर तैयार हो गए नाप छाप लेने के लिए किसी ने सूट शूट भी सिलवाना है तो भिजवा दो आपका भाई इधर है सीधे गए